सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चिमकांडी गेमर्स। गाइस कैसे हो आप लोग? आई हैव गाइस यार ठीक होगी। सो गाइस यार कल की वीडियो के बाद तो गाइस मेरे को फिर से कस्टम के चैलेंजेस बहुत सारे आने लगे। ठीक है, पहले तो गाइस बंद हो गए थे, लेकिन गाइस जैसे मैंने अपने भाई के साथ कस्टम मैच किए वैसे गाइस मेरे को बहुत सारे कस्टम के चैलेंजेस आने लग गए। और गाइस इस बार मेरे को चैलेंज किया गाइस मेरे बहुत अच्छे फ्री फायर फ्रेंड वाइपर उर्फ आयुष ने। ठीक है गाइस, यार वो भी बहुत अच्छा खेलता है गाइस, बहुत बढ़िया खेलता है। ठीक है, तो गाइस उसने मेरे को चैलेंज किया तो गाइस मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो गाइस यार वीडियो को एंड तक देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट के अपने कस्टम मैच को करते हैं अपन लोग स्टार्ट। सो गाइस यार यहाँ पे हमारा कस्टम मैच जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। आज मेरा पार्टनर है मेरा बड़ा भाई इंपीरियन उर्फ आकाश, और गाइस हमारे अपोनेंट हैं दो वाइपर, एक वाइपर उर्फ आयुष और एक वाइपर उर्फ अभिषेक। और गाइस वो दोनों के दोनों गाइस बहुत अच्छा खेलते हैं, हम दो भाइयों से भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अभी अपन दोनों भाइयों को बहुत संभल संभल के, मतलब फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, तभी अपन लोग उन्हें हरा पाएंगे, वरना वो हमें बहुत इजीली हरा लेंगे। सो यहाँ पे मैं अपने भाई से कदम मिलाते हुए जा रहा हूँ, और आई थिंक यहाँ पे एक बंदा है, और देखो गाइस यहाँ पे अंकुश था, अंकुश कह रहा गाइस अभिषेक था, यहाँ पे अभिषेक डाउन हो चुका है। तो अभी बस आयुष है बच्चा हुआ, तो मुझे आयुष को ढूंढने का है, और वो रहा गाइस मेरे को पता चल चुका है बंदे ने गोली वोली चलाई। सो यहाँ पे भाई मेरे भाई ने उसे पहले ढूंढा, लेकिन मैंने उसे पहले डैमेज दिया। यस गाइस मैंने पहले से डैमेज दिया, यहाँ पे उसे मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया है, थोड़ा सा और डैमेज दिया गाइस, थोड़ा सा बस, और गाइस बहुत डैमेज दे दिया गाइस, बस थोड़ी सी और जिंदगी। और ये अबे भाई यार यार इस बंदे ने तो यार किल चुरा लिया भाई साहब। यार देखो मैंने उसे इतना डैमेज दिया, इस बंदे ने मेरा किल चुरा लिया, मतलब क्या कौन सी बात हुई, मेरा किल को चुराया चोर कहीं का। गाइस मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने बड़े भाई पे, बहुत किल चुराता है, लेकिन छोड़ो यार है तो अपना बड़ा भाई। यहाँ पे देखो मेरे 0 किल है और मेरे भाई के 2 किल हो चुके हैं, और अभी मैं फिर से गाइस अपने भाई के साथ कदम से कदम मिलाते चलूँगा, क्योंकि अगर हम दोनों के कदम अलग अलग हुए तो गाइस वो दोनों कोई मौका नहीं छोड़ने वाले, और वो दोनों मज़े मज़े में हम दोनों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हमारा जो सेकंड राउंड है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और हम दोनों गाइस सीधा का सीधा रश करने की सोच रहे हैं। ठीक है, हम दोनों जो है वो सीधा रश करेंगे, और यहाँ पे हमें पता चल चुका है वो दोनों के दोनों बंदे का। यहाँ पे मैंने शॉटगन और MP5 उठा लिया। ठीक है, सो भी मैं थोड़ा पीछे से रश करने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक वो दोनों मुझे मिल सके। सो अच्छा नहीं गाइस, ये राइट बंदा, सो यहाँ पे ये बंदा मेरे को इसने थोड़ा सा डैमेज दे दिया है, 30% का इसने मेरे को डैमेज दे दिया। आयुष है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डैमेज किया। अबे भाई यार कितना बड़ा किल चोर है यार मेरा भाई। गाइस आपने देखा यार मैंने उसे इतना ज़्यादा डैमेज दिया, शिट यार ये बंदा मतलब कितना किल चोर है यार। यहाँ पे देखो फिर से वो दूसरा बंदा आ रहा है, और यहाँ पे अबे भाई मैं नहीं खेल रहा यार, मैं नहीं खेल रहा गाइस, और मैं नहीं खेल रहा यार, ये कोई बात होती है, मतलब इस बंदे ने मेरे 3 किल चुरा लिए यार। गाइस मैं नहीं खेल रहा, ये गलत बात है यार, ये 3 किल चुरा लिया आपने, साफ साफ आपको पता चल रहा है, मेरे को पता चल रहा है कि मैंने उसे कितना डैमेज दिया था उन दोनों को, और इस बंदे ने मेरा किल चुरा लिया। चलो पहले राउंड में चुराया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे राउंड में दोनों मेरे ही थे। गाइस ये बहुत गलत किया यार मेरे भाई ने, बहुत गलत किया है। तो अब मैं गाइस इसके कदम से कदम मिला के नहीं चलने वाला। ठीक है, मैं अपना रास्ता खुद चुनूँ, और यहाँ पे मैंने अपना रास्ता जो है खुद चुन लिया है, और मैं जा रहा हूँ गाइस अपने रास्ते की ओर, और मेरा भाई जो है वो अलग रास्ते पर जा चुका है, जाना है मुझे। क्या गुस्सा दिला दिया मेरे को, मेरा किल चुरा लिया, किल चोर 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 चोरे चोर चोर, ये क्या बोल रहा अच्छी सी गाइस, मेरे को थोड़ा भावनाओं में बह गया गाइस। यहाँ पे मेरा भाई नॉक हो चुका है, यही होता है गाइस, देखा यही होता है बुरे काम का नतीजा, किल चुराने का नतीजा। यहाँ पे मैंने इसे नज़र रख रखी, मैंने गोली नहीं चलाई, लेकिन इसे बुलाने के लिए गाइस मेरे को गोली चलानी पड़ रही है। यहाँ पे आ चुका है तो इसे नॉक करते हैं, और ये नॉक जा गया। यहाँ पे एक बंदा नॉक हो चुका है, और इसे हेड मारते हो गया। ये तो बस ईजी था, मेरे बाएं हाथ का खेल है गाइस, बस मेरे बाएं हाथ का, और मेरे दाएं हाथ को इसमें कोई काम ही नहीं है, बाएं दाएं मेरे को नहीं पता क्या होता है, लेकिन मेरे बाएं हाथ का खेल था कहावत में कहते हैं। सो यहाँ पे देखा मेरे कदम अलग जाने का फल क्या मिला गाइस, मैं तो मेरे इजी, मैं तो गाइस यूं ही कर रहा था, आपको तो पता है गाइस मैं कितना बड़ा प्रो हूँ, तो आपको तो पता ही है मैं कितना बड़ा प्रो हूँ, तो मैं इजीली ऐसा कर लेता हूँ, मेरे लिए कोई ये मामूली बात नहीं है। भले ही मेरे सामने अज्जू भाई या देसी क्या कहते हैं अमित भाई भी आ जाए, तो मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उन दोनों को भी ऐसे ही नॉक कर सकता हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मजाक था, नहीं मजाक नहीं था गाइस, सच्ची बात है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो दम है तो आ जाओ। लेकिन मुझे पता है गाइस आने वाला तो है नहीं, तो इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, हमने भाड़ में फेंकते हैं, और यहाँ पे हमारा चौथा राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और मैं फिर से अपने भाई से कदम हटा के चल रहा हूँ, और फिर से अपन नॉक करेंगे, और ये नॉक मैं नहीं देखा मैं गाइस, मेरे को देखा मैं कितना अच्छा प्रो खेलता हूँ, और ये बंदा यहाँ पे, अरे गाइस गलती पिंग हो गया गाइस, मेरा पिंग हो गया
गाइस मेरा पिंग हो गया, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मेरा भाई आ चुका है। मेरा भाई बहुत अच्छा खेलता है और यहाँ पे इन दोनों बंदों को देखा गाइस, मैंने आपको क्या बोला था कि बस एक चांस अगर इन दोनों बंदों को मिल गया तो ये बंदे हम दोनों को खत्म कर देंगे। सब मेरे भाई ने बहुत डैमेज दे दिया इस बंदे को। यहाँ पे ब्लू वॉल्स की भंडार होते हुए और ये पता नहीं मेरे भाई नूबड़ की तरह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अबे भाई पीछे। गाइस ये पता नहीं इस बंदे को स्किल चुराना ही आता है, ठीक है, और इसे खेलना मेरा आता नहीं है। सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा नूब है ये इंसान, मतलब क्या किया मतलब वो ग्लू वॉल के अंदर लिए जा रहा था, वो क्या कहते हैं अभिषेक को गाइस ग्लू वॉल के अंदर लिए जा रहा था वो, उधर से आयुष ने ठोक दिया। मतलब क्या यार क्या, ऐसे ऐसे थोड़ा कोई खेलता है, ऐसे थोड़ा नहीं खेलता है, ऐसे थोड़ा नहीं खेलता हूँ। आपको पता ही है मैं कितना अच्छा खेलता हूँ। इसी बात पर यार एक लाइक और कमेंट करके बताना यार कैसा लगा मेरी वीडियो, आपको कैसी लगती है गाइस मेरी वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पे हमारा पांचवा राउंड है जो वो भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, पांचवा राउंड भी स्टार्ट हो चुका है और मैं फिर से अपने भाई से कदम मिला के नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं चलना है, किल चुरा लेता गाइस वो मेरा, किल चोर। सो यहाँ पे मेरे को बंदा दिख चुका है और ये देखो सामने की ही ओर है। अब यार पता नहीं गाइस क्या हो रहा है गाइस, मेरे कंट्रोल देखो कुछ अजीब से ही हो रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल से अपने आप को जो है वो कवर कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल से कवर कर लिया और ये बंदा यहाँ पे सामने की ओर। अभी गाइस ये हो क्या रहा है गाइस, एक सेकंड, ये मतलब अबे मर क्यों नहीं रहा, अबे गाइस ये हो क्या रहा है, गाइस ये हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो सिर्फ 40% एचपी, ये हो क्या रहा है, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है गाइस, मेरे को बिल्कुल मतलब कहते हैं गाइस रत्ती भर भी मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम तीन बार जीत चुके हैं, वो सिर्फ दो बार ही जीते, अभी भी हम गाइस आगे चल रहे हैं एक पॉइंट से। और यहाँ पे हमारा छठा राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, मैंने स्नाइपर ले लिया और गाइस इस बार कदम से कदम हटाना जो है वो हम पे भारी पड़ सकता है, तो इस बार अपन लोग कदम से कदम मिलाकर ही चल रहे हैं, ठीक है। सो भले मेरे भाई ने कोई स्नाइपर नहीं लिया, लेकिन मैंने तो लिया है, तो मेरे भाई मुझे कवर देगा, तो यही होता है एक टीममेट की निशानी, एक कवर देता है एक मारता है। सो अभी मैं मारने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा आँख वाँख देख लेते गाइस कहीं कोई बंदा बंदा तो नहीं है, नहीं है गाइस। अच्छा ये क्या आ गया, ये तो कुछ अजीब सा ही था, बीच बीच में आते रहते गाइस, मेरे मोबाइल को मिर्गी आती रहती है तो मैं उसे चप्पल भी सुंघाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उसे बीच में चप्पल भी सुंघाता हूँ क्योंकि मेरी वेरी आती रहती है उसी बीच बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं स्नाइपर लेके आ चुका हूँ अपने छत की ओर, लेकिन मेरे को नहीं पता वो दोनों के दोनों बंदे आके है तो है किधर गाइस, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो दोनों कहाँ है, ठीक है। सो अभी थोड़ा इंतज़ार करने का यहाँ पे। सो गाइस यार वो दोनों आने से तो रहे, ठीक है, वो दोनों ऊपर आने से और मतलब कहीं बाहर निकलने से, मतलब छुप के बैठेंगे तो कहीं बाहर निकलने से तो रहे, तो अपन लोग गाइस नीचे जाते हैं, ठीक है, उन्हें मारने के लिए। सो यहाँ पे मेरा भाई जा चुका है तो मुझे भी उसके साथ जाना ही पड़ेगा, कदम से कदम मिलाने का वादा किया है। सो अभी मैं उतर चुका हूँ नीचे और शॉटगन हाथ में लेता, इसी वजह से मैंने शॉटगन लिया था, मुझे पता था कि नीचे उतरना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा मौका है क्योंकि जब हमें नीचे उतरना पड़ेगा। सो अभी चलो अभी जल्द से जल्द अपन लोग जो है वो रश करने चले जाते हैं, यहाँ पे तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, तो चलो भाई मैं जाता हूँ, ठीक है। सो अभी चलो चलते हैं जल्दी से जल्दी। अरे अबे भाई यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे भाई मेरा मुझसे पहले गया तो उसे तुमने नहीं मारा, मुझे मार दिया, कैसे लोग हो रहे हैं यहाँ पे, देखो नूबों की फाइट हो रही है और दो भाई दो नूब और ये एक नूब हार गया मतलब गाइस क्या ही था वो दोनों ये ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं और दोनों एक दूसरे को मार ही नहीं पा रहे, फिर जाके पीछे से आयुष आया और उसे ठोक दिया, मतलब क्या ही है गाइस क्या ही है। सो यहाँ पे देखो तीन तीन बार दोनों के पॉइंट हो चुका है गाइस, दोनों तीन तीन बार जीत चुका है। यहाँ पे मैंने फिर से वुड पैकर जो है वो उठा लिया और शॉटगन भी उठा लिया है और थोड़ा सा एक स्मोक ग्रेनेड उठा लेता हूँ और ग्लू वॉल उठा लेता हूँ, ठीक है। सो अभी चलो अपन लोग फिर से कदम से कदम मिलाकर ही चलेंगे, ठीक है, कदम से कदम मिलाकर ही चलेंगे अपन लोग। और चलो अभी जल्द से जल्द अपन लोग जो है रश करने के चले जाते हैं, सीधा सीधा रश करेंगे, कोई इधर उधर इधर में कैंपिंग वैम्पिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है कैंपिंग कैंपिंग वैम्पिंग करने की। तो यहाँ पे देखो सामने मेरे को दिख चुका है, अच्छा हुआ गाइस मेरे को सामने दिख गया, क्या यूसा बड्डा क्या ही होता गाइस मेरे साथ। यहाँ पे उसने बस एक गोली में मेरे को यार 40 का डैमेज दे दिया, वो तो अच्छा गाइस मेरे पास ईपी है, मैंने थोड़ी मशरूम खा ली, वरना हमारा होता क्या, मतलब मेरे हेल्थ भी बर्बाद होते, वैसे भी तो बर्बाद ही हो गया। सो यार छोड़ो कोई बात नहीं, हम लूट के ले लेंगे, मेरे को पता है कि बंदा है तो है कहाँ, तो चलो अपन लोग जल्द से जल्द जो है चाहते हैं गाइस रश करना। चाहे मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, उसने भी थोड़ा सा डैमेज दिया, वो बंदा भाग चुका है ऊपर की साइड और इसने मेरे को उछाल दिया, छी कैसा आदमी है। तो चलो अपन लोग जो है वो अभी स्मोक करते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे ये क्या हुआ, भाई गाइस यार ये हो क्या रहा है, मतलब मैंने स्मोक किया और वो बंदा मुझसे पहले गया और इन लोगों ने मेरे को ठोक दिया, और यहाँ पे भाई फिर से नूब किरी दिखाते हुए मेरा भाई ये नहीं कि थोड़ा ऊपर उछल के पीछे जाके रश कर दिया। गाइस देखा ऐसा क्या, देखा हम तो नहीं सोच के मिलती जुलती है, अबे ऊपर चढ़,
अबे ग्लू वॉल के ऊपर चढ़ सकते हैं, ग्लू वॉल के ऊपर चढ़ जा अबे चढ़ ना गाइस, ये पता नहीं क्या कर रहा है, चढ़ जा ऊपर, अबे हील मत करो आ जाएगा, और ये आ गया भाई मारना उसे, अबे भाई कर ले भाई कर ले, इमोट कर लो तुम, इमोट कर लो तुम्हें रस प्राप्त हो गया, इमोट करके है कौन सा रस प्राप्त हो गया तुम्हें, इमोट करके है ऐसा कौन सा रस प्राप्त हो गया तुम्हें, इमोट करके मजे ले रहे हो तुम्हें, अभी दिखाते गाइस, अभी ये बहुत हो गया गाइस, बहुत हो गया, ये हमसे एक पॉइंट आगे है, गलत बात है गाइस, बहुत गलत बात, तो अभी अपन को यार गुस्सा जो है वो माथे पर चढ़ चुका है गुस्सा, तो अभी अपन को कुछ भी नहीं सूझ रहा, अपन अपने वुड पैकर और शॉटगन जो है वो भी उठा ली है, और एक ग्लू बॉल और एक स्मोक ग्रेनेड भी उठा लिया है, और एक मशरूम भी जो है वो भी सब उठा लिया है, इतना उठाने के बाद गाइस हम थक गए हैं, अभी मजदूरी छोड़ो, अभी अपन जाते हैं गाइस सीधा सीधा रश करने, सीधा सीधा नहीं, हाँ सीधा सीधा जा रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे देखो मंदा जो है यहीं यहीं कहीं पे ऐसे, यहाँ पे देखो बंदा है, तो यहाँ पे मैंने उसे डैमेज दिया और चुरा लिया, तो गाइस यही काम तो रह गया इस बंदे का किल चुराने का, सो अभी मेरे को लग रहा है कि गाइस वो जो आयुष है वो पीछे की साइड होगा, तो अपन पीछे जाके रश करते हैं, और आई थिंक यहीं पे और गाइस देखो यहीं पे तो चलो से मारते और ही गया, सो यहाँ पे एक हेड की वजह से एक हेड लगा और ये बंदा नॉक हो चुका है, मतलब नॉक क्या मर गया लूजर गाइस, कोई ऐसे नहीं कहते गाइस, गलत बात होती है ये सब कहना, किसी को भी चढ़ाना गलत बात होती है गाइस, हम भी तो आ रहे थे अभी अभी, तो अगर वो हमें चढ़ाते तो हमें कैसा लगता, हमें तो पता ही नहीं लगता कि हम चढ़ा रहे, तो लगने का कोई सवाल ही नहीं है ना, सो यहाँ पे देखो चार चार बार हम जीत चुके हैं, मतलब चार बार वो जीत चुका है, चार बार हम जीत चुके हैं, सो गाइस इसी से पता चलता है कि यार वो दोनों कितने ज़्यादा बढ़िया खेलाते हैं, खेला करते हैं, ठीक है वो कितना ज़्यादा बढ़िया खेलते हैं, सो उनको बस एक मौका चाहिए, और कभी वो हमें ठोक दे हमें पता भी नहीं चलेगा, तो अभी इसी वजह से यार अपन दोनों यार कदम से कदम मिलाना फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अपन कदम डुले कि उन लोगों ने हम लोगों को ठोक दिया, ठीक है, सो यहाँ पे देखो अपन लोग जो है फिर से सीधा का सीधा रश करने की सोच रही हैं, और यहाँ पे चार चार पॉइंट हम दोनों के हो चुके हैं, तो बस एक इस बार जीत जाए तो अपन लीड में आ जाएंगे, सिर्फ दो बार हमें जीतना पड़ेगा, साथ मेरे को दिख रहा है मेरे को लगे था यहीं पर होगा, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया गाइस, अरे नहीं दिया नहीं दिया गाइस, मैंने नहीं डैमेज दिया, मेरे भाई ने दिया, और मेरे भाई ने नॉक भी कर दिया, नहीं नॉक नहीं किया गाइस, मेरे भाई ने नॉक नहीं किया, सो आई थिंक यार वो बंदे जो हैं वो गाइस पीछे से आएंगे, तो मेरे को लगता है पीछे हमें ग्लू वॉल लगा लेना चाहिए, सो अभी मैं थोड़ा पीछे की साइड ग्लू वॉल भी लगा लेता हूँ, और गाइस जैसा ही मैंने सोचा था गाइस वो दोनों मतलब एक बंदा जो है वो नीचे की साइड आ चुका है, देखो आपको दिख रहा होगा, देखा आपको दिख चुका है ये बंदा, और इसने मेरे को अरे यार गाइस इसने मेरे को डैमेज दिया, अरे गाइस इसने मेरे को डैमेज दे दिया, थोड़ा ग्लू वॉल अच्छा आगे गाइस गाइस मैं बच गया गाइस, सिर्फ देखो 38% ईपी है मेरे पास, ईपी नहीं एचपी, क्या हो गया शिवम तुझे, क्या हो गया शिवम तुझे, क्या हो गया है तुझे, लगता है मेरी आगे शिवम, तुझे लगता है मेरी आगे, सो यहाँ पे अपने ग्लू वॉल मैं थोड़ा इसी साइड लगा देता गाइस, तीनों के तीनों, क्या है ना कि फिर नहीं ये तो मेरा ही नहीं था ग्लू वॉल, किसका था मेरे को नहीं पता, शायद उन्हीं के टीममेट का था, तो ये फोड़ना पड़ेगा गाइस, क्योंकि देखो जोन जो है वो भी करीब आ रहा है, तो अभी अपन लोग जो है ग्लू वॉल फोड़ के छत पर आ चुके हैं, और गाइस वो दोनों के दोनों बंदे यहाँ से कूद चुके हैं नीचे की साइड, और यार मेरे को थोड़ा हेल्थ वेल्थ लगाना पड़ेगा, ठीक है मेरे पास तो यार हेल्थ ही नहीं है, मैं क्या करूँगा मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, ये सब मेरे भाई की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे हम फिर से कदम और गाइस सामने बंदा है मेरे, ठीक है सीधा सामने, और यहाँ पे एक बंदा नॉक हो चुका है उनके टीममेट, और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डैमेज दिया, सो मैं थोड़ा फोड़ देता गाइस, और यहाँ पे मैं नॉक हो चुका हूँ, नहीं मैं नॉक नहीं बच गया, अरे यार क्या ही किल चोर है यार, भाई साहब भाई क्या ही किल चोर है यार, मैंने जिंदगी में सोचा था मैंने इतने किल चोर देखे हैं, लेकिन इससे बड़ा किल चोर नहीं गाइस, इस बंदे ने अभी तक कितने किल किए हैं, करीबन 7 किल किया, उसमें से 4 तो मेरे ही हैं, ओ भाई यार क्या इंसान है यार गाइस, क्या ही इंसान है, मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रहा है यार, इतना बड़ा किल चोर, शिट यार शिट, मैंने सोचा नहीं था मेरा भाई इतना बड़ा किल चोर होगा यार, छह, लेकिन यहाँ पे देखो अपन लोग आ चुके हैं यार फिर से एक लीड में, मेरे को बोलने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन यार क्या ही करो, आप लोगों का खुशी के लिए अपन लोगों को बोलना ही पड़ता है, ठीक है आप लोगों की खुशी का मैं इतना ध्यान रखता, तो आप लोग मेरा ध्यान रखना, मेरे चैनल को मत भूलना, ठीक है, सो यहाँ पे देखो वो दोनों बंदे हमारे सीधे सामने ही हैं, एक बंदा थोड़े क्या कहते हैं लेफ्ट साइड की ओर है, और एक बंदा जो है सामने नहीं गाइस लेफ्ट साइड की ओर है, मेरे को अंदाजा हो जाता है कि बंदा कहाँ से आने वाला है, और यहाँ पे ये बंदा आ चुका है, ठीक है, सो अभी अपन लोग थोड़ा ग्लू वॉल ग्लूवल लगा के गाइस इसे भटकाने की कोशिश करते हैं, और गाइस पीछे से भी बंदा आ रहा है गाइस, मेरे को लग ही रहा था गाइस दोनों के दोनों बहुत अजीब से ही लोग हैं, यहाँ पे मेरा भाई नॉक हो चुका है, और मेरा भाई वो चिल्ला रहा है, और मैं और so मैं अब मेरे को यार सारी चीज़ संभालनी पड़ेंगी, और यहाँ पे रास्ता था आने का मैं तो देखा नहीं, जैसे यहाँ पे यहाँ बंदा ये हेल्थ लगा रहा है, यहाँ पे नॉक हो चुका है, यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल, अरे ये बंदा आ कैसे जाता है, ये जादूगर है क्या, ये बंदा पिछले राउंड में भी आ गया था, देखो देखो अरे 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 गाइस यहाँ पे गाइस मैंने अपने आपको थोड़ा सा किया है, क्या कहते हैं उसे हेल्थ लगाई, मतलब हेल्थ क्या लगाई, ग्लू वॉल लगाया है, और यहाँ पे वो बंदा आई थिंक उसे रिवाइव करा, और रिवाइव हो चुका है यार वो बंदा, और मैं गिर गया और मैं मर गया,
मर गया। द एंड गाइस, कहानी का यहीं पे होता है समाप्त। तो हम मिलेंगे आपको अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, चलो बाय दोस्तों। लेकिन यार अब तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि यार इतनी मेहनत की है, अब तो परिणाम तक पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी मेहनत फालतू में थोड़े ना किया अपन लोगों ने, परिणाम तो आपको देना ही पड़ेगा कि कौन जीता और कौन हारा। सो अभी चलो, यहाँ पे हमारा 11वां राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने शॉटगन फोड़कर फिर से उठा ली, लेकिन देखो मैंने इस बार ना M1887 उठाया है, और वो लंबी वाली शॉटगन नहीं उठाई क्योंकि मेरे को ज़्यादा अच्छा मज़ा नहीं आ रहा था गाइस। बार बार वही मैं मर रहा था, ठीक है, मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा था, इसे मैंने M1887 उठा लिया। यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल भी अपने हाथ में ले लिया, थोड़ा स्मोक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्मोक कर दिया और यहाँ पे स्मोक हो रहा है। सो गाइस, हमें नहीं पता यार वो दोनों के दोनों बंदे हम मिलेंगे तो कहाँ। तो मैं यहाँ पे स्मोक में फंस गया हूँ, मैं खुद के स्मोक में फंस गया, यहाँ पे मेरे को पता चल चुका है बंदा कहाँ है। तो अपने आपको सबसे पहले यार जो है ग्लू वॉल से कवर करता हूँ, थोड़ा पीछे भी कर रहा था गाइस, हो सकता है यार पीछे से आ जाए। तो पहले हील ले ले गाइस, पहले हेल्थ तो ले ले, मारा भाई है ही कवर करने के लिए। सो यहाँ पे मैं पीछे भी जो है ग्लू वॉल लगा लेता हूँ, हो सकता है यार वो पीछे से बैक मेरे को धप्पा कर दे, तो मेरे को नहीं लगता है वो पीछे से आएंगे। तो अपने यहाँ पे लोग चलते हैं शॉट गन लेकर, यहाँ पे अपने शॉट गन ले लिया हाथों में, और चलो अभी जल्द से जल्द जाते हैं उन्हें फोड़ने के लिए। सो आई थिंक यही पे होगा बंदा। और यहाँ पे अरे 50 है, ये क्या होगा, वुड पैकर कैसे आ गया गाइस मेरे गाइस, मैंने 2% हेल्थ और गया। ओ भाई साहब बहुत ओपी, सिर्फ 2% HP और ये बंदा नौ कुछ का, मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे हाथ में वुड पैकर है गाइस, यार इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और यहाँ पे देखो अभिषेक नौ हो चुका है, और अरे ये क्या हो गया गाइस, यहाँ पे देखो यार क्या आयुष जो है वो इसे क्या के इस नाम इस पता नहीं क्या टीन के डब्बे में जो है फंस चुका है, और अपन लोग जो है ग्लू वॉल से इसे और फंसा रहे हैं। मतलब अब देखो क्या हो गया गाइस, ये थोड़ा प्रैंक कर रहे हैं अपन लोग, और ये बंदा जो है ग्लू वॉल फोड़े जा रहा है। सो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यार क्या ही करें, अब करना तो पड़ेगा ही, अब जीतना है गाइस कैसे भी करके। क्या कहते हैं सबको मैं भूल के जाता हूँ पता नहीं। सो कहते हैं कि जंग और खेल में सब जायज है, ऐसा नहीं कहते मुझे पता है, लेकिन कहने के लिए कह देते हैं अपन लोग ही तो कहते हैं। सो यहाँ पे देखो हमारा प्रैंक सक्सेसफुल रहा और अपन लोग जो है वो जीत चुके हैं, और यहाँ पे अपन लोग एक पॉइंट से आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो आखिरी राउंड है, आखिरी नहीं 12वां राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो अभी मैं कुछ नहीं लेता, शॉटगन ले लेता गाइस वुड पैकर की जगह, क्योंकि यहाँ पे स्नाइपर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब मैंने शॉटगन ले ली है M1887 और वो लंबी वाली शॉटगन, मेरे को नाम याद नहीं रहता, सॉरी। चलो अभी चलते हैं अपन लोग झट राउंड स्टार्ट होने में, बस थोड़े से सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0 सेकंड, और ये हो गया राउंड स्टार्ट। सो गाइस यार पहले भी वाली जगह आ चुकी है हमारे सामने, इस बार भी अपन लोग सीधा रश करने जा रहे हैं जैसा पिछली बार किया था। और पिछली बार अपन लोग जीते थे, पिछली बार इस आदमी ने मेरा किल चुराया था, लगभग मेरे जितने भी किल हुए हैं उसमें से यार 4+ कर देना, ठीक है, क्योंकि 4 इस बंदे ने मेरा किल चुराया, ठीक है, 4 बार। सो अभी मैंने पहले, अरे मेरा भाई नॉक कैसे हो गया गाइस, ये नुबड़ा नॉक कैसे हो गया, छोड़ो यार बचाना तो पड़ेगा। इस पे मैंने ग्लू वॉल, अरे क्या गाइस यार गलती से ग्लू वॉल गलत लग गया और ये बंदा मर गया, मेरे को संभालना पड़ेगा, और मर गया गाइज, मैं मर गया, कोई बात नहीं गाइज। दरअसल गाइज मैं आपको सदर बताता हूँ, मैं और मेरे भाई ने सिक्योरिटी प्लान किया था कि हम 6-6 बार जीतेंगे, तो हमने 6 बार इन लोगों को जीतने दिया है। गाइज इसी बात पे लाइक कर दो कि हम इतने दयालु हैं, तो इसी बात पे लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिलेंगे। यहाँ पे मैंने देखो डेजर्ट ईगल है, मैंने पूरे इस मैच में डेजर्ट ईगल का यूज़ तो किया ही नहीं, और यहाँ पे मैंने MP5 भी उठा लिया, और मेरे पास लंबी वाली शॉटगन भी है, थोड़ी मैंने रिपेयर कट ले लेते हैं, और थोड़े से क्या कहते हैं मशरूम भी ले लेते हैं। अभी अपन सीधा रश करने की सोच ले लिए हैं। सो यहाँ पे लास्ट राउंड है ये वाला, ठीक है। सो अभी अपन को यार जो भी करना पड़ेगा सेफली ही करना पड़ेगा, और ये बंदा ने मेरे को भटका दिया। अबे भाई हटना, हटता क्यों नहीं है भाई साहब, ये बंदा देखो हट ही नहीं रहा, मतलब इसकी वजह से यार मेरे को कितना डैमेज पड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो सामने बंदा जो है वो आ रहा है गाइस, अभिषेक जो है सामने ग्लू वॉल के भंडार लगाते हुए आए जा रहा है। और यहाँ पे देखो ये बंदा उस साइड से आ चुका है, तो ये मेरे को थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे बंदा आया पे, और मर गया, बच गया, थोड़ा सा फोड़ दिया अभी इस बंदे को, और यहाँ पे मर गया। अरे मैं तो ग्लू वॉल के पीछे था, बचा सकता है भैया, बचा ले भैया, मार भैया। सो गाइस यहाँ पे हम बहुत गंदे तरीके से हारते हो, और देखो इसके प्लेयर को भी शर्म नहीं है, इतनी मस्त एंट्री लेके आया, जैसे कि सारा किल इसी ने किया, चोर कहीं का ये चोर, इसका प्लेयर भी चोर, और चुरा चुरा के भी तब भी नहीं जीत पाए। सो यहाँ पे हमारा हो चुका है, हम बहुत दिन से हार चुके, लेकिन यार मेरे को तो बहुत मजा आया, आपको भी मजा आया होगा शर्त लगा दो गाइस। सो यार वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच यार, हम मिलेंगे आपको अगली चिमकांडी वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।